नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा शेंडे। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। राघोगढ़ के लालापुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान तहसीलदार ने आम आदमी से की गाली गलौज। तहसीलदार का गाली गलौज वाला वीडियो वायरल। पीलीभीत के पुरनपुर तहसील के ग्राम सिमरिया तालके के बच्चे पढ़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाने को मजबूर। महाराजपुर में बनी है ITI कॉलेज की बिल्डिंग। प्रशासन चाहे तो छात्र छात्राओं को नहीं जाना पड़ेगा दूर। नसरुल्लागंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र में दो लाशें मिलने से क्षेत्र में उत्पन्न हुआ भय का माहौल। दोनों मृतक 18 तारीख से ही थे लापता। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राघोगढ़ के लालापुरा में अतिक्रमण किए हुए मकानों को हटाया जा रहा था। इस दौरान राघोगढ़ तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह ने मकान मालिक के साथ गाली गलौज की। इस दौरान किसी ने वहां पर वीडियो बना लिया और इसे वायरल कर दिया। राघोगढ़ तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह लालापुरा गांव में कार्यवाही करने पहुंचे। इस दौरान मकान मालिक ने कहा कि सर और भी मकान अतिक्रमण में है। इस बात के जवाब में तहसीलदार बोले कि खाना नहीं खाया है, सरकार के काम के लिए ऐसी तैसी करा रहे हैं। इसके बाद गाली देते हुए कहा कि तमाशा देखने आ जाते हो और ज्ञान देने लगते हो। तहसीलदार के आम व्यक्ति से इस तरह की गाली गलौज का वीडियो पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। राघोगढ़ से आनंद व्यास की रिपोर्ट। पीलीभीत के पुरनपुर तहसील के ग्राम सिमरिया तालके के महाराजपुर में बनी ITI कॉलेज की बिल्डिंग अगर तैयार हो जाए तो ITI के छात्रों को 30 किलोमीटर दूर पीलीभीत नहीं जाना पड़ेगा। महाराजपुर में बनी ITI कॉलेज की बिल्डिंग में 22 से 23 कमरे बने हुए हैं। प्रशासन अगर चाहे तो छात्रों की कक्षा यहाँ पर ही लगाई जा सकती है, जिससे छात्र छात्राओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी। पीलीभीत की पुरनपुर तहसील के ग्राम सिमरिया तालके के ITI कर रहे छात्र पढ़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर पीलीभीत जा रहे हैं। हालांकि महाराजपुर में ITI बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत काम ही शेष बचा है। प्रशासन अगर चाहे तो यहां पर कक्षाएं लगाई जा सकती है, जिससे बच्चों का समय भी बचेगा और आने जाने का खर्चा भी। इस बारे में ITI कॉलेज के चौकीदार का भी मानना है कि नीचे की पूरी बिल्डिंग बन चुकी है, प्रशासन चाहे तो यहां कक्षाएं लगाई जा सकती है। इस संबंध में जिलाधिकारी का कहना है कि बिल्डिंग अधूरी है और ठेकेदार ने प्रशासन को नहीं सौंपी है। पीलीभीत से ऋतिक द्विवेदी की रिपोर्ट। बहुत अच्छा रहेगा, मुझे आने में जाने में दिक्कत नहीं होगी कोई, बल्कि मेरा यहाँ 100 रुपये किराया लगता है, वहाँ 50 रुपये लगेगा। मुझे बहुत बहुत सी दिक्कतों से फ़ायदा होगा। अच्छा, किस प्रकार से दिक्कत होती है आपको यहाँ? मुझे यहाँ आने में दिक्कत होती है, मेरा 100 रुपये किराया जाता है। मैं घर से बहुत गरीब हूँ, तो मैं पैसे वाला तो नहीं। अगर मुझे पता होता पी लेना था तो मैं एडमिशन ही नहीं लेता, BCOM या BTEC करता। सुमित वर्मा। सुमित, ये बताओ कि आपको ITI कॉलेज पीलीभीत आने में क्या दिक्कत होती है? सर, बहुत दिक्कतें होती है। मैं गरीब परिवार से हूँ सर, मेरे पापा नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई है सर। मम्मी है मेरी और घर में कमाने वाली सिर्फ दीदी है, तो सर वो कमाती है सर। यहाँ पे आते हैं, 100 रुपये का डेली लगता है। और सर मोदी सरकार चल रही है सर, मोदी सरकार में शिक्षकों का बहुत मतलब वो हुआ है सर, ज़्यादा फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है सर। हम बहुत दूर से आते हैं, बहुत परेशानी होती है सर यहाँ आने पर। अगर पूरनपुर हो जाए सर तो हमें बहुत सहूलियत मिलेगी सर, बहुत ज़्यादा। कमरे बढ़िया बने हुए हैं और फिटिंग जो है पड़ी हुई है, लाइटिंग व्यवस्था नहीं है और शीशा लगने हैं, रंगाई पुताई हो जाए। अच्छा, ऊपर जो दीवारें खड़ी हुई थी वो गिर गई हैं और बाउंड्री चारों तरफ की गिर गई है, किस कारण? ये तूफान आया बहुत बड़ा, उसमें कुछ मसाले से कमी की जरिए से और 4 इंची बाउंड्री थी, होल थे कम थे और उसमें तूफान में ये दीवार गिर गई। नसरुल्लागंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र में दो लाशें मिलने से क्षेत्र में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। जानकारी के मुताबिक असलम खान और दिलीप अग्रवाल दोनों साथ में ही व्यवसाय करते थे। असलम और दिलीप दोनों ही 18 तारीख से ही लापता थे। पुलिस को 19 अक्टूबर को दिलीप अग्रवाल की लाश मिली और 23 की रात को असलम खान की लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लाश की हालत इतनी खराब थी कि उसको पहचाना भी नहीं जा सकता था। कपड़ों के आधार पर परिजनों ने असलम की लाश को पहचाना। असलम खान की बॉडी को भोपाल के लिए रेफर कर दिया गया है। घटनास्थल पर पहुंची FSL की टीम घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों लाशों को भोपाल के लिए रेफर कर दिया है और विवेचना की जा रही है। सीहोर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। असलम और दिलीप 18 तारीख को 5:30 बजे शाम को घर से निकले, बता के नहीं गए, परेशान हो गए हम, नहीं आए। तो उसके बाद जब मैं करताना बाजार से वापस आया 10 बजे, तो मेरे को पता लगा कि असलम नहीं आया है।
फ़ोन लगाया, फ़ोन बंद बताया। इसके बाद सुबह 6 बजे के लगभग दिलीप की पत्नी आई हमारे घर पे, उसने बताया कि असलम और मेरे पति दोनों गए हैं, तो ये कहाँ है। ये आपको दिलीप की बॉडी कब मिली थी आपको? ये 19 तारीख को सुबह। अच्छा, उसके बाद फिर आपके बेटे की बॉडी कब मिली? बीती रात को, कल रात एक बोरे में लाश मिली थी, जिसको कि हम लोग आज पोस्टमार्टम कराने के लिए सुलभगंज हॉस्पिटल की तरफ, और चूँकि लाश डिकम्पोज हो चुकी है तो पीएम के लिए उसको भोपाल भेजा जाता है। मैडम, कुछ लाश की कोई शिनाख्त वगैरह हो पाई किसकी है, क्या मामला है? हाँ, हमारे यहाँ अभी 2-3 दिन पहले एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, असलम पिता नवाब शाह की, तो उसके परिजनों ने उसको पहचान लिया है कपड़ों के आधार पर कि वो उनका पुत्र है। बीसलपुर के अकबरगंज में सैकड़ों ग्रामीणों के साथ प्रधान ने रेल विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। रेलवे क्रॉसिंग में अंडरग्राउंड विकास का रास्ता बनाने को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से बीसलपुर के अकबरगंज गांव का प्रधान छोटेलाल गांव में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठा हुआ है। ग्राम प्रधान छोटेलाल और ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम पंचायत सिमरा अकबरगंज हाल्ट स्टेशन शेरगंज के रेलवे क्रॉसिंग में अंडरग्राउंड निकास का रास्ता बनाया जा रहा है। इसी बात को लेकर ग्रामीणों में रेल विभाग के खिलाफ आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि जब अंडरग्राउंड निकास का रास्ता बन जाएगा तब हम ग्रामीणों के भूसी के ट्रक, कंबाइन मशीन व कोई भारी वाहन नहीं निकल पाएंगे। इससे पैदल और बाइक सवारों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 3 दिन से अनशन पर बैठे छोटेलाल पर भी किसी भी अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही ग्रामीणों की कहीं सुनवाई हो रही है। बीसलपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। मैं इस रेलवे लाइन को लेके धरने पे, जो यहाँ पर जो फलुआ ये हमारा खुदने वाला है, इससे लेके हम लोग धरने पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं और हमें एक किसी भी हालत में खुदवाना नहीं है, ना ही हम इसे खुदवाना चाहते हैं बिल्कुल। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, जिससे हमारी फसलें भी ख़राब हो जाएंगी। हमारी ट्रैक्टर है, ट्राली है, कंपाइन है, या वैसे निकलने में काफ़ी दिक्कत होगी हम लोगों को इससे, और हमें और भी दिक्कत होगी कि यहाँ अगर इतनी गहराई में एक खुदेगा तो लेडीज है, लड़कियाँ हैं, हम लोग कैसे निकल पाएंगे इसको? यहाँ आके कोई बैठ जाएगा, उसे क्या पता लगेगा कि कौन बैठ जाए? कब तक आप लोग भूख हड़ताल बैठेंगे? अगर जब तक ये हमारा, अगर ये जब तक बंद नहीं होगा खुला, इसको खोदना, अगर वो आएंगे जब तक ये वो लोग कह नहीं देंगे कि हम यहाँ नहीं खोदेंगे, नहीं बनाएंगे, तब तक हम इसको जारी ही रहेंगे, धरना हमारा चलता रहेगा। हाँ, हमारी समस्या है कि हमारा जो रेलवे क्रॉसिंग है 24/C अकबरगंज सिमरा ग्राम पंचायत और शेरगंज हाल्ट, तो रेल प्रशासन उसे अंडरग्राउंड के रूप में प्रस्तावित करने जा रहा है, जिससे हम लोगों की ना तो ट्रक निकल पाएगा घुसी वाला और ना ही कंपाउंड निकल पाएगी, और उसके अंदर पानी की समस्या आ जाती है, तमाम प्रकार के परेशानियों से हमको गुजरना पड़ेगा। इसलिए हम फाटक युक्त रास्ता चाहते हैं, यही हमारी प्रशासन से मांग है, रेल प्रशासन से हमारी यही मांग है। नरसिंहपुर जिले के गोटी गांव SDM को लोकायुक्त जबलपुर ने 2 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि आगामी चुनाव के लिए गोटी गांव SDM रमेश वंशकार को रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। भ्रष्टाचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिम्मेदारों को ठीक से निभाने की बजाय हर कोई अपने पद का फायदा उठाने में लगा हुआ है। अब जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने नरसिंहपुर जिले के गोटी गांव SDM रमेश वंशकार को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। हालांकि इस मामले में SDM ने लोकायुक्त पर झूठा फंसाने का आरोप लगाया है। लोकायुक्त टीम ने उनके कमरे में दबिश दी, जहाँ से करीब 2.5 लाख रुपए लोकायुक्त टीम को मिले। इस पर SDM ने अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि प्लॉट बेचकर उनके पास पैसा आया। झूतेश्वर स्थित रेस्ट हाउस में ही लोकायुक्त ने कार्यवाही की है। SDM के कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार सुरेंद्र राय से खदान आवंटन के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे, जिसकी शिकायत सुरेंद्र राय ने लोकायुक्त को की थी। लोकायुक्त पुलिस ने 2 लाख की रिश्वत के साथ वंशकार को पकड़ने की बात कही है। नरसिंहपुर से अजय बड़ोनिया की रिपोर्ट। क्या मिट्टी खदान की जो स्वीकृतियाँ जारी होती हैं उसके लिए इनकी सहमति लगती है और इनको अपना अभिमत भेजना पड़ता है? तो इनने वो अभिमत, मेरे 4 मिट्टी खदानों के लिए अभिमत चाहा गया था विभाग द्वारा, लेकिन इनके द्वारा अभिमत भेजने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। आज दिनांक को तय हुआ था कि मैं 4 फाइल अपने घर यहाँ ले आऊँगा, आप आके देख लेना, मैं उनको अभिमत अपना भेज दूंगा और 2 लाख रुपए आप हमें दीजिए। तो मैंने आके उनको 2 लाख दिए, तो उन्होंने कहा सोफे में जो कवर रहता है उसके नीचे रख दीजिए। मैंने उसके नीचे रख दिए। इसके बाद विजिलेंस ने आके, जो भी टीम है उन्होंने आके उसको
जांच कर ली। कहाँ शिकायत की थी आपने? मैंने लोकायुक्त में शिकायत की थी। सार के राय एंडसंस के सुरेंद्र राय, इनका नरसिंहपुर जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पैकेज के तहत सड़कें बनाई जा रही है। इसमें मिट्टी की अस्थाई परमिट, मिट्टी के खदान के लिए अस्थाई परमिट जारी करने के लिए गोटे गांव में पदस्थ एसडीएम से इसकी रिपोर्ट जानी है। रिपोर्ट देने के एवज में एसडीएम यहां पदस्थ हैं श्री आर के वंशकार, इनके द्वारा 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। आज इनको हमने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। अभी की खास खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।